हम लोगों ने 7 नए विश्वविद्यालय वर्तमान में गठित कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये 7 नए विश्वविद्यालय प्रदेश के अलग अलग कोनों में स्थापित हो रहे हैं। 50 नए महाविद्यालय, नए महाविद्यालय, और पहली बार प्रदेश के अंदर पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। ये केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं होगा, यहां पे पाठ्यक्रम भी चलेंगे। अक्सर हम देखते थे कि हमारी जो जांचें होती थी वो ठहर जाती थी एक समय के बाद, जब वो फॉरेंसिक जांच के लिए जाता था एक लंबा समय लगता था, महीनों महीनों वर्षों वर्षों लग जाते थे। आज हर कमिश्नरी मुख्यालय पर ए लेवल या बी लेवल की लैब्स स्थापित, फॉरेंसिक लैब्स स्थापित की जा रही है। हर रेंज स्तर पर, हर कमिश्नरी स्तर पर साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक बदली हुई तस्वीर प्रदेश के अंदर वर्तमान में देखने को मिल रही है, और इसने प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का जो एक मॉडल दिया है, आज पूरा देश और पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को देखती है। और मुझे लगता है कोरोना कालखंड के दौरान जो कुछ देश और दुनिया के सामने आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उत्तर प्रदेश की हमारी पूरी सरकार, पूरा प्रशासनिक तंत्र, हर हेल्थ वर्कर्स, हर कोरोना वॉरियर्स इसके साथ जब जुड़ा, जनता जनार्दन का इसके साथ जब सहयोग मिला, आज आप देख रहे होंगे कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल उत्तर प्रदेश का देश में भी, दुनिया के अंदर भी सराहा जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे कम पॉजिटिविटी, सबसे कम मृत्युदर उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग नियंत्रण की नियंत्रण एकदम प्रभावी नियंत्रण है, सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और कोरोना प्रबंधन कैसे होना है, हर एक गतिविधि हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस प्रारंभ हो चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं, औद्योगिक संस्थान हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान तो कभी बंद ही नहीं किए, कोविड केयर सेंटर बना करके या कोविड हेल्प डेस्क बना करके हम लोगों ने वहां पर सावधानी और सतर्कता बरती। लेकिन हरेक व्यक्ति को हम सुरक्षा देंगे, और सुरक्षा का कवच आज कोरोना वैक्सीन के रूप में प्रदेश के अंदर 9.5 करोड़ लोग लगभग प्राप्त कर चुके हैं। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट भी संपन्न हो चुका है। यानी ये चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 महिला आरक्षियों की भर्ती। प्रदेश के अंदर जब तक 1,26,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद में भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, इसमें ज्यादातर महिलाएं। पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों में ज्यादातर महिलाएं आई हैं। और यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ बहनों को सीधे सीधे स्वरोजगार और स्वावलंबन के साथ जोड़ने में भी प्रदेश की सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।